कल 27 अप्रैल को बुलंद शहर में उत्तर प्रदेश में हमारे दो संतों को, दो साधुओं को तलवार से काट डाला, निर्मम नृशंस हत्या कर दी गई है। पूरा संत समाज स्तब्ध रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आपके राज्य में संतों की हत्या, वो भी संतों को काट डाला, ऐसी हत्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी, आखिर राम राज्य है कि रावण राज्य है? योगी जी, एक महीने के अंदर इसकी जांच होना चाहिए, सीबीआई के द्वारा जांच होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई षड्यंत्र है। जिस ढंग से इसको मारा गया है, तलवार से काटा गया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो है, क्योंकि जिस ढंग से हमारे संतों के प्रति क्यों आक्रोश है लोगों को, हमारी समझ के परे हैं। एक देखिएगा, पालघर में पीट पीट करके हमारे दो संतों को हत्या कर दी, और यहां बुलंदशहर में यूपी में दो संतों को तलवार से काट डाला। एक महीने के अंदर इसकी जांच नहीं हुई, एक महीने के अंदर इसका दूध का दूध पानी नहीं हुआ। तो योगी जी, आप समझ लें, पूरा संत समाज मध्य प्रदेश से, पूरे देश से इकट्ठा होगा, 10,000 की संख्या में पूरा संत समाज बुलंदशहर पहुंचेगा, अनशन करेंगे, आंदोलन। देखिए, आरोपी अरेस्टेड है, अभी हम लोग अनूपसर थाने में बैठे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ की गई, आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई प्रश्न रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहां बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा। और इसको पकड़ने में गांव वालों का बहुत सहयोग रहा है, हमें लगता है गांव वाले असलियत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने सहयोग किया है, और यही कारण है कि मौके पर कानून व्यवस्था की ऐसी समस्या नहीं है। देखिए, चिमटे की बात आ रही है, लेकिन अभी आरोपी का इंटरव्यू लिया गया, अभी भी पूरी तरह नशे में धुत था, और नशे में धुत व्यक्ति जो ये बता रहा हो कि भगवान की इच्छा थी, तो फिर वजह बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, जो बजट आएगी। अभी तो इसने यही बताया कि भगवान की इच्छा थी, इनका आपसी कोई ऐसा रंजिश नहीं था। सर, जैसे पहले बताया जा रहा था कि गला रेत कर हत्या हुई है, पूछा गया क्या हत्या किस तरीके से सर की गई? देखिए, हम और एसएसपी साहब बैठे हैं, हम दोनों ने उनसे पूछा, हमने उनसे ये भी पूछा कि लोग बता रहे हैं तलवार से हत्या हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि आप देख लो, अगर तलवार से होती तो कहीं कटे का निशान होता, तो पूछवाया नहीं गया, तो कटे का ऐसा निशान नहीं बताया जा रहा है। उसने बताया कि बाबा का डंडा वहीं पड़ा था, लाठी, उसी से सिर पे मार के उसने हत्या की।